हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी SSSC ने जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए आवेदन मांगे हैं। जो 2022 में पैट की परीक्षा हुई थी उसी को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसी में से बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी उसी परीक्षा के लिए हमने एक बाबू बैच को शुरू किया है, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। हमने उसी के आधार पर एक नई स्ट्रेटजी लेकर चले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को लेकर चले हैं। यानी यूपी स्पेशल के आप में इसमें 20 प्रश्न हैं, हम प्रत्येक क्लास में 20 प्रश्न को लेकर चलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप को लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टॉपिक वाइज आपके प्रश्नों को क्लियर करेंगे, उसके बाद यानी जब आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हमें आपका मिक्सर क्वेश्चन लगा के आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का सेशन है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को बिल्कुल अंत तक देखेंगे, जो आपकी परीक्षा को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देगा। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर हम सबसे पहले आगे चलें तो देखते हैं आगे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उस पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले है निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक घोषित किया गया है। यानी उन्होंने कहा है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन में गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और नर्मदा है। अब आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपका सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था वो अब से यानी 36 वर्ष पूर्व घोषित किया गया था। अब ये कहाँ से कहाँ तक किया गया था, आपके प्रयागराज से लेकर कहाँ तक किया गया था, हल्दिया तक किया गया था। अब इसकी जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक वो कितनी थी, 1620 किलोमीटर थी। पहले इनकी संख्या टोटल कितनी थी जो राष्ट्रीय राज जलमार्ग थे, उनकी संख्या 6 थी। अब 105 जलमार्ग और बनाए गए हैं, टोटल जलमार्गों की संख्या कितनी हो गई है, 111 हो गई है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहला जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, गंगा नदी होगा। और आज से 36 वर्ष पूर्व क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग एक को घोषित किया गया था जो आपके प्रयागराज से कहां तक जाता है, हल्दिया तक जाता है। आगे देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है। पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है केन नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर और निचली गंगा नहर। सबसे पहले मैं बात करूं जो आपकी सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है। कौन सी नहर है जी, शारदा नहर है, जो कहाँ से निकाली गई है, शारदा नदी से निकाली गई है। शारदा नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है भैया, नेपाल से होता है। उसके बाद ये कब निकाली गई है, ये आपकी 1928 में निकाली गई है। इसकी लंबाई कितनी है, 12,368 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद क्या प्रश्न आता है कि ये जो शारदा नदी है इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो भैया इसको भारत में काली नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहां से आपके कितने प्रश्न क्लियर हुए, कई सारे प्रश्न। दूसरी मैं बात करूं जो आपकी निचली गंगा नहर है ये कहां से निकाली गई है, ये आपके नरोरा से निकाली गई है। नरोरा यानी आपके बुलंदशहर में पड़ता है, जहां से कौन सी नहर निकाली गई है, निचली गंगा नहर निकाली गई है। इसका एक अपोजिट होता है जो ऊपरी गंगा नहर है, वो कहां से निकाली गई है, आपके हरिद्वार से निकाली गई है। तो प्रश्न एक ही प्रश्न से कितने सारे प्रश्न आपके यहां से क्लियर होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड प्रश्न क्या कहता है। वो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, यानी इन में से कौन सी क्या है पेयजल। पेयजल का मतलब होता है जो पीने योग्य जल होता है उसके लिए परियोजना कौन सी है।
तो शारदा सहायक नहर परियोजना है भैया, ये तो नहर परियोजना है। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, ये भैया नहर परियोजना है। ये आपकी गेकुल बैराज परियोजना, ये भैया आपकी एक क्या है, पेयजल परियोजना है। किस नदी पर बनाई गई है भैया, यमुना नदी पर बनाई गई है। किन राज्य किन जिलों में बनाई गई है, ये भैया आगरा प्लस आपका मथुरा में बनाई गई है। तीसरा है भैया आपका पथराई बांध है, तो ना आपका ये होगा, ना आपका ये होगा, ना ही आपका ये होगा, तो आपका प्रश्न क्या होगा, गोकुल बैराज परियोजना का क्या, कैसी परियोजना है, पेयजल परियोजना है। कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। किन जिलों में है, आगरा और मथुरा जिले में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भैया कौन सा है, आगे कह रहे हैं कि जो हथनी कुंड परियोजना है वो भैया किस नदी पर है, तो हथनी कुंड परियोजना भैया आपकी कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है। किस जगह पर है भैया, आगरा पर है। अब अगली बात यहां से दो चीज देख लो, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है जी, सहारनपुर में प्रवेश करती है। अब ये गंगा नदी में कहां मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है। और ये ही नदी क्या है, गंगा नदी की सबसे प्रमुख बड़ी सहायक नदी है। जबकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां प्रवेश करती है भैया, बिजनौर में प्रवेश करती है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, यमुना नदी से प्रश्न आ जाता है कहां प्रवेश करती है, सहारनपुर में करती है। कहां संगम बनाती है गंगा के साथ मिलकर, प्रयागराज में मिलाती है। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, आगे भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, माता टीला बांध परियोजना। अब ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो माता टीला बांध परियोजना है वो भैया ना तो यमुना नदी पर है, ना आपकी कृष्णा पर है, ना ही आपकी गोदावरी पर है। ये आपकी दोनों नदियां कौन सी नदियां हैं भैया, प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी पर कोई ऐसा बांध नहीं है। बची कौन सी आपकी, बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है भैया, यमुना की सहायक नदी है। अब बेतवा नदी पर जो ये माता टीला बांध है, ये भैया कहाँ है, ये भैया आपका ललितपुर के पास पड़ता है। और ये माता टीला जो बांध है, ये आपका ललितपुर के पास एक जगह है, वहां पड़ता है। लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये चीज याद रखिएगा कि जो बेतवा नदी पर बांध पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, ललितपुर पर पड़ता है। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आगे कहते हैं वो राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है भैया, जो बनाई जा रही है भैया, सीधी बात है, बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। अब बेतवा नदी भैया कहाँ बहती है भैया, ये झांसी में बहती है। ये आपकी कहाँ बहती है, ललितपुर में भी बहती है, ललितपुर में भी बहती है। अब आगे प्रश्न क्या कहता है कि ये दो देश, दो आपके राज्य कौन कौन से यहां पर दिखाया गया होगा, कौन कौन से हैं भैया, उत्तर प्रदेश और प्लस आपका मध्य प्रदेश, दो राज्यों की है। अब बेतवा नदी है किसकी सहायक नदी है भैया, ये आपकी यमुना की क्या है, सहायक नदी है। दोनों बात याद रख लेना, परीक्षा में प्रश्न क्या है, बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं भैया फूलर झील भारत के किस राज्य में है, तो भैया फूलर झील आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश में है। कई सारे प्रश्न यहां से आते हैं कि फूलर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, भैया आपके पीलीभीत जिले में है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पीलीभीत यानी फूलर झील जो है, इसके पास एक जगह पड़ती है गोमत ताल। कौन सी पड़ती है जी, गोमत ताल। यहां से एक आपकी नदी निकलती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदियों में जिसका उद्गम किससे होता है भैया, मैदानी भाग से होता है। अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी के सहारे ही उत्तर प्रदेश की एक राजधानी बसी हुई है जिसको हम किस नाम से जानते हैं भैया, लखनऊ के नाम से जानते हैं।
दो प्रमुख शहर और इसी पर बसे हुए हैं। भैया आपका जौनपुर भी इसी पर बसा हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पाया जाता है। दूसरा आपका भैया सुल्तानपुर भी इस नदी पर पाया जाता है। तो दोनों ही चीजें क्या है, आपके शहर कौन कौन से हैं, लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है। ये गोमत ताल से एक कौन सी झील निकलती है भैया, फूलर झील निकलती है। कहाँ है, पीलीभीत में है। और ये एकमात्र ऐसी गंगा की नदी है जो किससे निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। बाकी आपकी सारी नदियां गंगा की किससे निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं या पठारों एवं कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं। भैया देखिए जरा क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ आगे, एक नोटबुक ले लीजिए और इन सबको फटाफट नोट करते जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट आगे कह रहा है भैया परीक्षा बांध किस नदी पर है। भैया परीक्षा बांध, भैया परीक्षा बांध भी तो बेतवा नदी पर है। कहां है भैया, झांसी में है भैया, झांसी वही वाली झांसी। कौन सी वाली झांसी, यानी यहां की रानी लक्ष्मीबाई थी वही की तो झांसी है ये, आप समझ नहीं रहे हो। उत्तर प्रदेश में आगे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भैया राम गंगा नदी पर है, और जब राम गंगा नदी पर जो बांध होगा उसको भी कौन सा बांध बोलेंगे, भैया राम गंगा बांध ही तो बोलेंगे। अब इसकी कितनी ऊंचाई है, क्योंकि जब सबसे ऊंचे की बात करा तो ऊंचाई भी तो पता होनी चाहिए। तो भैया आपकी 128 मीटर है, ध्यान कर लेना। अब आगे बात करें कि रामगंगा से और क्या आता है। रामगंगा भैया जो है ना वो गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली क्या है, नदी है। मिलने वाली क्या है, सहायक नदी है। इसका जो उद्गम होता है भैया कहाँ से होता है, भैया उत्तराखंड से होता है। और उत्तराखंड में वो कौन सी जगह है जिससे उद्गम होता है, तो भैया मिलाम हिमनद है। कौन सा हिमनद है भैया, मिलाम हिमनद है। एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न कर जाओगे इस टेक्निक पर चलोगे तो। आगे चलते हैं भैया, आगे कह रहे हैं निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका से प्रसिद्ध है। अवनालिका होता क्या है भैया, अवनालिका का मतलब होता है खड्डों का निर्माण करना। खड्डों का मतलब क्या है, यानी जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, वो नदी अपने आसपास खड्ड का निर्माण करते चलती है। खड्ड का मतलब क्या है, यानी गहरे गार्ज बनाती है। और इस प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। सबसे पहले कौन सी नदी है भैया, चंबल नदी है। उद्गम कहां से होता है भैया चंबल नदी का, भैया जी मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है भैया, मध्य प्रदेश से होता है। दूसरा प्रश्न क्या है, ये मध्य प्रदेश से जो बाहर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, कहां प्रवेश करेगी भैया, पहले करेगी ये आगरा में प्रवेश, और उसके बाद कहां प्रवेश करेगी, इटावा में। और इटावा में कहां मिल जाएगी भैया, फिर आपके यमुना में मिल जाएगी, कहां, आपके इटावा में। अगला प्रश्न क्या है, चंबल नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है कौन, सबसे तो पहले एक शहर है इस पर बसा हुआ राजस्थान का, कौन सा है, कोटा। और कोटे के बराबर में ही एक प्रमुख बांध बना हुआ है जिसका नाम है भैया गंगा सागर बांध। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ये जो चंबल नदी है ना, इसको रट लो भैया, ये किसकी सहायक नदी है भैया, ये यमुना की सहायक नदी है, जो कहां से मिल जाती है भैया, दाईं तरफ से मिल जाती है। आगे चलते हैं जी, आगे जो चलते हैं वो कह रहे हैं निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान से निकलती है, जो करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। अब देखो यहां से एक बात समझ लेना कि नदी में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बन रहे हैं वो आपका शारदा नदी से बन रहे हैं। चाहे तो सबसे बड़ी नहर की बात हो, चाहे उसके उद्गम की बात हो, और चाहे वो उसके कई सारे नाम की बात हो। अब ये जो आपकी घाघरा नदी है ना भैया, ये घाघरा नदी, इसी को कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे ऑप्शन में सबसे पहले ये क्या है जी, शारदा नदी है। अब इसका उद्गम जो होता है कहां से होता है, ब्रह्मघाट से होता है। ये कर्णाली नदी जो है ना, इसी को भारत में किस नाम से जानते हैं,
काली नदी के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं भैया, गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर ये क्या बन जाती है शारदा नदी भैया, ये बन जाती है घाघरा। और घाघरा की एक छोटी सी प्रमुख नदी है जो ऑप्शन में है, क्या है, सरयू नदी। और सरयू नदी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जो आपका आजकल चर्चा में है ना, अयोध्या, वो भैया सरयू नदी पर ही बसा हुआ है और आजकल चर्चा में है, प्रश्न बन सकता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलें भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, भारत के किसी राज्य में सर्वाधिक, देखो वो ये किसी नहीं है भैया, इसको किस कर लो, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है भैया, सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है ना वो नलकूपों के द्वारा, उत्तर प्रदेश में होती है। और उत्तर प्रदेश में अगर मैं क्रमवाइज लगाने के लिए बात करूँ ना, तो भैया सबसे ज्यादा किससे होती है, नलकूप से होती है। और कितने प्रतिशत होती है, 80% होती है। सेकेंड नंबर पर किस पे होती है, नहर से। कितनी होती है, लगभग 18% से होती है। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो क्या आते हैं, अन्य संसाधन आते हैं, जिनका कुल स्थान कितना है, 2% में आता है। तो ध्यान रख लेना, नलकूप 80% और नहर 18%। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूप कहां पाए जाते हैं, तो भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अब नलकूप का तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना, नलकूप का मतलब होता है भैया सीधा सीधा कुएं में जब हम क्या डाल देते हैं, नलका, और इसमें लगा देते हैं मोटर और पानी आ जाता है बाहर, उसी की बात कर रहे हैं ये नलकूप। आगे है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, भैया अभी तो जिक्र करा, दोबारा आ गया घूम के प्रश्न, मैंने कहा था ना शारदा नदी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। कौन सी है भैया, शारदा नहर है, कितनी लंबाई है, लगभग 12,368 क्या है, किलोमीटर है। किस नदी से निकाली गई है भैया, शारदा नदी से निकाली गई है। ये शारदा नदी का जो उद्गम है ना, कहाँ से होता है भैया, नेपाल से होता है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये समझिएगा कि आपकी परीक्षा में चार चांद लगने के काम हो रहे हैं। और परीक्षा को अगर एक अच्छे माध्यम में डालना है, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। आगे कह रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, भैया जहाँ रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी वहीं से तो है भाई, परीक्षा में वहीं से तो प्रश्न बनेगा। तो भैया कौन सी है, सबसे पहले तो यहाँ देख लो आपकी भैया बेतवा नदी पर है, और जब रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा, तो कहाँ होगा भैया, झांसी में ही तो होगा, और कहाँ होगा, क्योंकि झांसी से कौन सी नदी गुजर रही है, बेतवा नदी। अब बेतवा नदी सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है भैया, पहले करती है ललितपुर में, और उसके बाद प्रवेश करती है आपका झांसी में, और जाकर कहाँ मिल जाती है आपकी, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया प्रश्न। आगे मैं बात करूँ, निम्न नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। देखो भैया परीक्षा में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ होती है ना, ये नहीं है और है में होती है, आप समझ पा रहे हो, अगर ये नहीं देखा होता ना, तो हम भी क्या कर देते, इसको गलत कर देते। इसलिए पूरे प्रश्न को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़ना है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें ना अब की बार बाबू बन के दिखाना है, लिपिक बन के दिखाना है, क्योंकि ये आपको जो मिल रहा है ना, बहुत अच्छा चांस मिल रहा है। अब भैया देखो, जैसे यहाँ आपकी गंगा नदी है जी, अब गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री से हुआ, और यहां जाकर सबसे पहले ध्यान रख लेना, अगर मैंने उत्तर प्रदेश में बात करी तो कहां इसका एंट्री होती है, बिजनौर में, निकलती कहां है भैया उत्तर प्रदेश में, बलिया में। टोटल इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1450 किलोमीटर है। अब देखो वो कह रहा है दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी इनमें कोई एक ऐसा नगर है जो किस किनारे पर है, बाएं पर है, और बाकी तीन नगर जो हैं वो कहाँ हैं भैया आपके, दाएं हैं। अब समझ लो प्रश्न कठिन होने वाला है। तो भैया जो प्रयागराज है ना, तो भैया प्रयागराज तो यहाँ है, ठीक है जी भैया प्रयागराज हो गया। भैया जी हरिद्वार यहाँ है, हरिद्वार यानी ऊपर की बात कर रहा, बिजनौर से ऊपर। और भैया कानपुर कहाँ है,
कानपुर भैया आपका यहाँ है, तो इधर कौन सा बचा भैया आपका? वाराणसी बचा। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या हो गया? वाराणसी हो गया। वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है ना, दाहिने किनारे पर नहीं है। इसका मतलब दाहिने पर नहीं है तो कहां पर है भैया? बाएं पर है। तो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और देखो, नदी से प्रश्न आपका परीक्षा में बनता ही बनता है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? भैया अभी तो बात करी थी नलकूप हैं, कितने स्थान पर? पहले स्थान पर। कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 80% यहीं से होती है भैया। और बाकी नहरों से कितनी होती है भैया? सेकंड नंबर पर होती है। कितने परसेंट होती है भैया? लगभग 18% होती है। और बाकी जो साधन है वो क्या है हमारे? ये सारे मिलकर बाकी 2% में क्या लेते हैं? सारे हिस्सा लेते हैं। आगे चलते हैं भैया। आगे कह रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। सबसे पहले जो गोविंद बल्लभ पंत है ना, ये क्या है भैया? आपके उत्तर प्रदेश के क्या है? प्रथम मुख्य मंत्री हैं। कौन है जी प्रथम मुख्य मंत्री? आपको यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम लिया है उनके बारे में भी तो पता हो। कहाँ है भैया? सोनभद्र। आपका बुलंदशहर में नहीं है, मिर्जापुर में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है। कहाँ है भैया? सोनभद्र में है। अब सोनभद्र में कैसे है? यानी जो आपकी नदी है ना, ये जो आपकी अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी, समझ पा रहे हो ना? सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक के पठार से होता है भैया, अमरकंटक के पठार से। अच्छा जी, अब ये कहां से होती हुई बहती है? ऐसे आपका एक जगह पड़ती है सोनभद्र, सोनभद्र। और यहीं पर आपका क्या बनाया गया है? बांध बनाया गया है। और यहीं से बांध से क्या निकाला गया है? जल निकाल के। और इस सागर का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो ये आपकी कौन सी है? सोन नदी है, जो कहां मिल जाती है भैया? आपकी गंगा में मिल जाती है। किस जगह मिलती है? सोनपुर में मिलती है। सोनपुर पड़ता है भैया पटना के पास में, और पटना पड़ता है भैया आपके बिहार में। तो परीक्षा के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? यानी वो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं हो रही है? तो भैया कौन सी है? आपकी सोन नदी भी है, जो किससे निकल रही है? आपकी सोनभद्र से निकल रही है। आपकी शारदा नदी भी है, आपकी हिंडन नदी भी है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है भैया? यमुना की सहायक नदी है, जो कहां कहां बहती है भैया? आपके नोएडा में बहती है, आपका गाजियाबाद में बहती है। ऐसा मत कर भाई, बोर्ड चल जा, ऐसा मत कर, नाराज मत हो, चल जा, चलेगा अभी थोड़ा ना, कभी कभी ऐसा होता है। ये आपकी तरह है, ये कहने लगता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भी क्या रहता है, इसके भी दर्द होने लगता है मस्तिष्क में। तो इसलिए आप भी इसकी तरह कर रहे हो, देखो ये चला गया ना, कह रहा मुझे छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले। कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक हम अपने पूरे काम को नहीं कर लेंगे। तो भैया देखते हैं कहाँ है ये, ढूंढ के लाते हैं इसको। चलो जी ढूंढ के लाएंगे। चलो जी भैया ढूंढ के लेके आएंगे और फिर से पकड़ के लाएंगे, क्योंकि बात क्या है, छूट नहीं जाए। बाबू बन के दिखाएंगे हम इसको, और जब तक बाबू नहीं बनेंगे, वो कहते हैं ना एक डायलॉग है आपका, किसका डायलॉग है? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म का डायलॉग है कमेंट करके बता दो। चलो निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? अभी इसी पे थे हम, दोबारा एक बार चर्चा कर लेते हैं। कौन सी है भैया प्रवाहित नहीं होती है? तो भैया आपकी हिंडन भी होती है, शारदा भी होती है, सोन भी होती है। तो आपकी ये गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। इसका उद्गम भैया नेपाल से तो होता है, लेकिन कहाँ जाती है ये? बिहार में जाकर मिलती है, यानी बिहार में प्रवेश करती है। और ये किसकी सहायक नदी है भैया? ये गंगा की सहायक नदी है, समझ लेना बात को। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं भैया। आगे कह रहा है बस दो प्रश्न और बचे हैं अंत में।
आगे है, निम्न में से कौन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। देखो ये नहीं है और हैं, इनके बारे में जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि प्रश्न जो परीक्षा में ज्यादा गलत होते हैं वो कहां से होते हैं, इन्हीं चीजों से होते हैं जब हम पूरा ध्यान पूर्वक प्रश्न को नहीं पढ़ते। आप पहले कह रहे हैं जी चंबल नदी, भैया कितनी बार पढ़ लिया चंबल, बेतवा भैया कितनी बार पढ़ लिया कैन, ये तीनों ही किसकी सहायक नदी है, भैया यमुना की सहायक नदी है। चंबल सिंध बेतवा कैन क्रमवाइज हैं और ये दाएं तरफ से यमुना में मिल जाती हैं। अब आगे क्या है, ये कल्याणी नदी नहीं है भैया, सीधी बात है, प्रश्न का आंसर बिल्कुल एकदम लड्डू सा प्रश्न है। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। भैया प्रश्न जो है ना वो हां कम पूछ रहा, नहीं ज्यादा पूछ रहा, इस चीज में जरूर ध्यान कर लियो। वो कह रहा है ये बुंदेलखंड है, बल्कि ये बुंदेलखंड ना होकर भैया बघेलखंड है, आप ध्यान रख लेना, पेपर में जो आपको मिलेगा ना ये बघेलखंड मिलेगा, ये टाइपिंग एरर है। वो कह रहा है अडवा है, अरहिर है और आपका बटुआ है, तो ये जो आपका अडवा है ना ये क्या है, ये आपका उत्तर प्रदेश में बांध नहीं है, बाकी आपका बघेलखंड भी है, आपका अहिर भी है और आपका क्या है बटुआ भी है। तो ये आपके 20 के 20 प्रश्न क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। आपने देखा कि हमने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न कर लिए, लगभग 100 प्रश्न कर लिए। तो अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप जूनियर असिस्टेंट में बाबू बनने लायक हैं, और अगर आप हमारी शैली में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त ने भी क्या किया है, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है तो उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें भी क्या मिलता रहे, उत्साह मिलता रहे, क्योंकि हमें भी तो एनर्जी तभी मिलेगी जब आप अपनी ऊर्जा हमें दोगे। और आपकी ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, जब हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या दोगे, प्यार दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा के जाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।